Hello viewers, a very warm welcome to you all. This is Pallavi Shri and you are watching Study This, Study Fast, Be Smart. So today we are going to discuss the topic Monopoly. So let's begin. Now first I'll discuss the term Monopoly. What is Monopoly? The term monopoly means, mono means single and poly means seller. So the word monopoly means single seller. Now, monopoly is a form of market organization in which there is only one seller of the commodity. Now, monopoly market किसको बोलते हैं? जो ऐसे market को जहां पे सिर्फ commodity का, किसी भी commodity का एक single seller होता है, एक सिंगल विक्रेता होता है और उसके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, यानी कि वो किसी कमोडिटी का एक इकलौता ही मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर और सेलर होता है और उसके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं. द बेस्ट एग्जांपल इज इंडियन रेलवे. आइए देखते हैं इसके फीचर्स. फर्स्ट, सिंगल फॉर्म और सिंगल सेलर. मोनोपोली में जैसे हमने कहा कि एक मोनोपोली में सिंगल सेलर. अब देखिये यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो खुद ही इकलौता प्रोड्यूसर होता है और उसके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं. सिंगल सेलर होता है, सो द मोनोपोलिस्ट इज द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स. तो इकलौता वो गुड्स का मैन्युफैक्चरर होता है. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कंडीशन और लीगल रिस्ट्रिक्शन लाइक गवर्नमेंट लॉ, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, कॉपीराइट, पेटेंट लॉ एसेट्रा एसेट्रा. तो ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट सबको ऑथराइज नहीं कर सकती है उस टाइप के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का. तो यहाँ पे बहुत लीगल रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने होते. इसका रिजल्ट क्या होता है? मोनोपोलिस्ट हैज अ फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई ऑफ द कमोडिटी. तो यहाँ पे जो भी सेलर होता है, जो इकलौता सेलर, इकलौता प्रोड्यूसर जो बोल लीजिए, उसके पास फुल कंट्रोल होते हैं किसका? कमोडिटी के सप्लाई पे. नाउ लेट अस कम टू द सेकंड फीचर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. अब देखिए मोनोपोली मार्केट में क्या होता है कि क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते हैं. क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो गया? अगर आप पेन से लिख रहे हो तो पेन नहीं मिल रहा है तो आप क्या यूज करोगे? पेंसिल. चाय की जगह कॉफी. तो यहाँ पे क्या होता है? क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है. जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया था इंडियन रेलवे का. अगर आपको रेलवे सर्विस लेना है, रेलवे क्या है? एक सर्विस है. तो आपको रेलवे सर्विस लेना है तो आपके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है कि इंडियन रेलवे छोड़ के हम दूसरे रेलवे को यूज करें. तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है. इसका रिजल्ट क्या होता है? इट इज नॉट फेस एनी कॉम्पिटिशन. तो इस तरह के मार्केट में क्या होता है कि इस तरह के मोनोपोली मार्केट को कॉम्पिटिशन को फेस नहीं करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं. नाउ थर्ड इज प्राइस मेकर विथ कॉन्स्टेंट. द मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसेस ऑल द आउटपुट्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट. सो द मोनोपोलिस्ट इज प्राइस मेकर क्योंकि मोनोपोलिस्ट खुद ही प्रोड्यूसर होते हैं, खुद ही मैन्युफैक्चरर और वो खुद ही सेलर होते हैं. तो उनके पास जो भी प्रोडक्ट होता है, कमोडिटी होता है, उस पर उनका फुल कंट्रोल होता है. तो इसलिए भी वो क्या होते हैं, वो खुद ही प्राइस डिसाइड करते हैं कि उस कमोडिटी को कितने में सेल करना है. तो दे आर ओनली ओनली प्राइस मेकर. तो यहाँ पे क्या होता है, पर ऐसा नहीं है कि वो दोनों ही चीजों को फिक्स कर सके, कमोडिटी के प्राइस को भी और उसके डिमांड को भी. तो बट दे नॉट फिक्स बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडिंग. बिकॉज इफ ही फिक्सेस हाई प्राइस देन लेस कमोडिटी विल बी डिमांडेड. अगर प्राइस हाई हो जाएगा तो ये तो लॉ डिमांड का लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन प्राइस डिक्रीज इन डिमांड. तो अगर बहुत हाई प्राइस कर देंगे तो क्या होगा? डिमांड उसका डिक्रीज हो जाएगा और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट यही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का. तो हमारा इस केस में डिमांड कर्व कैसा बनेगा? प्राइस हाई तो डिमांड क्या हो जाएगा हमारा? लो. द नेक्स्ट फीचर इज बैरियर्स टू एंट्री. अब देखिए जैसे कि हमने पहले कहा कि ये मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर होते हैं, सिंगल प्रोड्यूसर यानी सिंगल मैन्युफैक्चरर रहते हैं. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि दूसरे फर्म्स का उनके साथ कोलैबोरेशन करना, आना, इन सारे चीजों पे बैरियर्स होता है. यानी कि फ्री एंट्री एग्जिट यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है. तो बैरियर्स टू एंट्री. अब इसका रिजल्ट क्या है? अ मोनोपोली फॉर्म अर्न्स एब्नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन. अब इसके वजह से क्या होता है कि क्योंकि वो इकलौते होते हैं तो वो
लॉन्ग रन तक बहुत लंबे समय तक प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं और एब्नॉर्मल. लास्ट बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. व्हेन अ मोनोपोली फर्म चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. सपोज आप देखे होंगे कि डिफरेंट एज ग्रुप के लिए, डिफरेंट जेंडर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करा जाता है. मेल के लिए कुछ अलग चार्ज होता है, फीमेल के लिए कुछ अलग चार्ज होता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लिए भी प्राइस चार्ज अलग अलग होता है कस्टमर्स के लिए. तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट्स एम इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो ये हमारा फीचर्स था मोनोपोली मार्केट का. अब आइए हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली मार्केट एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन. देखिए अब तक हमने जो पढ़ा इस कंपैरिजन चार्ट के बेसिस पे हम लोग उसे रिवाइज करेंगे. इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बट इन मोनोपोली मार्केट ओनली सिंगल सेलर्स. सेकेंड, प्रोडक्ट आर होमोजेनियस इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बट इन मोनोपोली मार्केट देर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल. इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, एंड इन मोनोपोली मार्केट देर आर बैरियर्स टू एंट्री. सो दिस इज कंपैरिजन चार्ट एंड दिस इज वन काइंड ऑफ ट्रिक फॉर यू टू रिवाइज द होल सिस्टम. इफ यू हैव एनी सजेशन और एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.